मार 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 ए हे शॉट बस क्यों ले यार हद कर रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलेख ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही हो गए, स्वस्थ हो गए। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हम लोग हो रहे हैं रेडी, हर एक आदमी जो है ना अपने अपने काम में लगा हुआ है। मम्मी भी तैयार हो रहे हैं, पापा को थोड़ा सा काम था बस, वो भी रेडी होने वाले। नेहा और मम्मी दोनों नहा धो के हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी। अब बच्चे हैं मैं और पापा, अभी पानी गर्म होने में टाइम है तो मैं थोड़ा 5-10 मिनट बाद नहाऊंगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं अपने मामू के घर। जी हाँ, पहली बार नेहा जो है मामू के घर जाएगी। आई होप इसको अच्छा लगे, वो एरिया में ये पहली बार जाएगी तो आई डोंट नो कैसा इसका एक्सपीरियंस रहेगा। तो सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। और नेहा ने तो सुबह सुबह जो है ना नहा धो के अब ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया है। तो जब तक हम सब तैयार होंगे तब तक हमारा ब्रेकफास्ट भी तैयार हो जाएगा। तैयार होने में सबसे ज्यादा टाइम मेरे को लगता है, तो फिर मम्मी जितनी देर थोड़ा बहुत अपना काम निपटा रहे तब तक मैं चपातियां बना दीजिए ताकि फिर मैं आराम से तैयार होने चल जाऊं, फिर हम सब बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। क्योंकि पापा भी अभी खेत गए हैं, उन्हें थोड़ा सा काम है तो 10-15 मिनट का, बस उसके बाद वो आएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर हेल्प हो जाती है ना। जब एक बंदा चपातियां बना रहा है फिर मम्मी थोड़ा सा कुछ और काम कर लेंगे, क्योंकि जब आपने इतने दिनों बाद आना है तो फिर वाइंड अप होना चाहिए, कुछ चीजें खराब हो जाती है। तो हमारा ये जो ट्रिप है काफी लंबा है, कैसे कैसे रहने वाला वो हम आपको टाइम टाइम पे बताते रहेंगे। मम्मी इतने महीनों के बाद शिमला आ रहे हैं, आफ्टर मैरिज हमारे साथ रहेंगे वो, तो हमने सोचा कि हम उन्हें थोड़ा बहुत शिमला घुमाएंगे, हम खुद भी घूमेंगे उन्हें भी घुमाएंगे, वरना 4-5 महीने से बेचारे इधर ही थे। पापा तो फिर भी कहीं ना कहीं किसी काम से बाहर चले जाते थे, बट मम्मा यही रह जाते थे। तो अब मम्मी के टाने के लिए हम घुमाएंगे। हाँ, तो चलो अभी थोड़ा सा रेडी हो जाते पहले ना। अभी हम जा रहे थे के पपीज को थोड़ा सा कुछ खिला पिला लेते हैं, पर इनकी मम्मी आ गई और मम्मी के सामने तो बड़ा रिस्की है। नहीं, पर ये नहीं छेड़ती है यार, मैंने कल भी देखा था। करता हूं, मैं लेके आने। हाँ, आप जाओ तब तक मैं लियो को पकड़ती हूँ। हाँ, ठीक है। उसी दर से बेचारे से पीले बेटू पीले। अब इतने तेज हो गए ना ये, जैसे ही मैंने ये नीचे रखा इनको पता लग गया कि दूध है। दूध तो क्या, लस्सी है। काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि अब इनका क्या होगा, तो एक अच्छी चीज ये कि हमारे आसपास ना बहुत सारे डॉग्स हैं तो पूरे गांव वाले जो है ना संभाल लेते हैं। हाँ। ये अच्छी चीज है और ये तो कर्म है, हर कोई अपना कर्म करना चाहता है। हम भी अपना कर्म कर रहे थे, जब तक थे तो हम इनको खिला पिला रहे थे, अब तो ये काफी बड़े भी होने लग गए, कुछ टाइम बाद जब वापस आएंगे काफी बड़े हो जाएंगे। इनकी मम्मी को भी हमने 2-3 दिन से खाना दिया, अभी भी दिया है। एक तो लियो के डर से हम दे नहीं सकते क्योंकि किसी को देने नहीं देता, किसी को भी नहीं दे रहा, रूट कुछ नहीं बोलता, रूट जाता है, बच्चों को नहीं बोलता है। हाँ, भर गए पेट, गुगलू मुगलू बेटू, उधर है, उधर 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 जाओ, अब खेलेंगे जैसे ही थोड़ी देर। हाँ, चुस्ती आ जाएगी इनको अब। एक्टिव हो चुके हैं सारे बच्चे, नेहा के साथ खेलना शुरू कर दिया है। ये वाला सबसे तेज है, ये फीमेल है पापा, ये जो सबसे एक्टिव है ना, ये वाली आगे, ये फीमेल है। ये बेचारे अभी छोटे है ना, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर तो मजा आएगा। जूते दिख गए, वाह वाह वाह, मान गए जी, ये है ना बात है ना, अपने पैसों की दर्द इतनी होती है। मेरी गाड़ी में कभी इसने पोछा नहीं लगाया, वैगनार में मैं हमेशा मेरी से लड़ाई होती थी कि साफ कर ले इसको, नहीं नहीं मैं वॉशिंग सेंटर में कराऊंगा, क्योंकि वो मेरे पैसे की थी। अब अपने पैसे की इसकी गाड़ी है तो इसको कैसे बड़े इंटरेस्ट से साफ कर रहा है इसको, नहीं ना? यही सोचा मैंने, कहा वैगनार भी साफ नहीं करता हूं। मैं कहा ये तो कर लेता, नहीं तो बोलेंगे ना मेरी करता ना अपने करता साफ। नहीं तो वही होता ना, अपने पैसे की दर्द इतनी ज्यादा होती है ना। अब लगा तुम्हारे पास लिया साफ साफ होगा, जो चीजें तुम अपने पैसे से बनाओगे कि भाई कितनी वैल्यू होती है पैसों की, बाप के पैसों की तो कोई कीमत नहीं होती है ना, के मन दो कुछ नहीं है ना। ये अभी टाइम था तो मैंने सोचा साफ कर लेता हूँ, क्योंकि अभी सामान भी रखना है ना। नहीं नहीं, वो तो होता ही है ना, वो होता सारा ये होता है कि भाई अपने पैसे की जो है ना वैल्यू होती है भाई। हाँ, बात सही है, इसलिए अपने खुद का पैसा कमाना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी, ताकि उसकी वैल्यू का पता लगे, पैसे की क्या वैल्यू होती है। ये बात सही है ना, कि जब आपका पैसा होता है ना तो आपको पता है मेंटेन आप नहीं करना। गाड़ी की सफाई तो हो चुकी थी, सेटिंग कुछ इस हिसाब से की है फिलहाल के लिए, और पीछे नेहा बैठ गया, नेहा के साथ बैठेंगे पापा। मम्मी को क्योंकि इस पे चक्कर आएंगे तो मम्मी को हम फ्रंट पे बिठाएंगे, और ये देखो पूरी डिक्की फुल है। अगर हमारे साथ लोग नहीं होते तो पूरा हमने ये बेंच उठा के बिल्कुल सीधे में डाल देना था सारा सामान, है ना। पर चलो कोई नहीं,
देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे जैसे भी। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है क्योंकि हम पहली बार ऐसे जाएंगे। कोई बात नहीं, सबसे अच्छी बात है कि पहली बार हम लोग जा रहे हैं तो देखो किस तरह से पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल पूरी पैकिंग के साथ। कुछ टाइम बाद पापा वापस आ जाएंगे पर मम्मी हमारे साथ शिमला ही जाएंगे। पापा मम्मी यही बोल रहे थे मैं अकेले का, मतलब उन्हें शिमला भी आना, एक ही भाई अगर तुम दोनों देखो ये क्या करे ले जाना पड़ता है, नहीं पता होता ना ज्यादा दिन रुकना पड़ता है तो इतने कपड़े होते नहीं है यहाँ पे तो शिमला से लाने पड़ते हैं। बिल्कुल, चलो मम्मी पापा भी आगे, मैं पहले ही बैठ गई हूँ क्योंकि यहाँ से आना मुश्किल रहता है तो पहले ही सेट होंगी, बस अब पापा आएंगे फिर पापा बैठ। हाँ फिर तो भले ही सामान बीच में भी रह सकता है, ये तो पता नहीं कहाँ पे ये जो पाती है इसको ही दे दो जिसके बच्चे अभी चल रहे। तो घर हो रहा है लॉक और ये देखो पपीज बाहर खेलने आ चुके, इतना अब चलना सीख चुके तो घर तक आ जाते हैं ये, तो देखो बाउंड्री में घूमते रहेंगे। बाय फ्रेंड, मिलेंगे बहुत जल्दी। हो गए पैक अंदर, बस पापा रह गए, पापा आ जाए, मम्मी बैठ गए, चलो आ जाओ, आपको इसमें जाना पड़ेगा। नहीं नहीं मम्मी, मम्मी की फिर तबीयत खराब हो जाएगी, पहले बैठो आप, मेरे को फिर दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, इसमें दरवाजा वाला सिस्टम है ना, बंद करना पड़ता है। हम लोग पहुंच चुके हैं चौपाल पर अभी हम मम्मी पापा को लेके कहाँ जा रहे हैं अभी हम? अभी इन्होंने कहीं जाना है किसी के घर। हाँ तो फिर इनको वहाँ पे छोड़ के फिर वापस आएंगे इनको 10-15 मिनट का काम है तो उसके बाद जाएंगे हम लोग। सोचा है कि चौपाल तो आए वो भी कर लेते, मम्मी आ नहीं पाते। हाँ हाँ तो सोच रहे जा ही जाते। मम्मी पापा को तो हमने यहाँ पे उतार दिया, मैंने सोचा आपको यहाँ से चूड़ेश्वर महाराज के दर्शन करा देता हूँ। जय हो चूड़ेश्वर महाराज, सब पे रक्षा बनाए रखना। अभी भी फिलहाल के लिए काफी ज्यादा बर्फ है यहाँ पे। मम्मी पापा को गए हुए 10-15 मिनट तो हो चुका है, मम्मी पापा ने बोला था 5 मिनट में वापस आएंगे तो अभी हम यहीं पे वेट कर रहे हैं। हमने एक जगह खाली जगह देखी है, वहाँ गाड़ी लगा दी है, जैसे ही फोन आएगा फिर वापिस जाते और फिर अपना ट्रिप शुरू करते हैं फाइनली। हाँ मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि गई नहीं हूँ ना, तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, तो मैं बहुत अलग जगह है। ये कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से, ये देखिए सामने, ये है दादी का, हमारे मामू का गांव है साथ में, ये आगे जाके ये देखिए। हाँ यहाँ बचपन में हम आया करते थे, एक शॉर्टकट आता था हमारे गांव से ना, इस गांव के ऊपर से जंगल में जाते हुए। अच्छा फिर यहाँ पहुँच जाते थे। फिर यहाँ पहुँच जाते थे। अच्छा फिर हमने हमारा बचपन यहाँ पर बहुत बिता हुआ है, ठीक, अपने मामू के घर। और उसके बाद ये है चूड़धार, यहाँ सामने चूड़धार है, सामने चूड़धार है। हाँ जी। और कोई पूछा था खद्दर, पूछा था खद्दर। हाँ खद्दर बड़ी खूबसूरत जगह है यहाँ पर, खद्दर ना, ये सामने वाले पहाड़ में, ये सामने वाले पहाड़ में कितनी डीप सॉइल है। हाँ। और बिल्कुल ये फॉरेस्ट के बीच में है, इतनी डीप सॉइल है कि बड़े जबरदस्त व्यू, यहाँ देखो कितना सीनरी व्यू बहुत जबरदस्त है। वैसे एरिया काफी अच्छा है, खूबसूरत, कितना खूबसूरत एरिया है। ये सरां है चूड़धार के नीचे, बिल्कुल सरां है। अच्छा हाँ वहाँ पर, हाँ जी हाँ जी, सरां है। तो ये बहुत ही यहाँ की खूबसूरती है जगह की। और हमारे दादी के मामू ही इधर रहते हैं, उनका गांव यहाँ है। अच्छा यहाँ नीचे दादी के मामू, हाँ यहाँ यही। अच्छा। साथ में नीचे को। हाँ हाँ जी हाँ जी। यहाँ का व्यू चारों तरफ का भी। अगर आप फ्री हो गए होगे तो अब हम आगे को चले, लेट भी हो गया। हाँ चलो चलो फिर चलो चलते। मैं अपनी बिल्डिंग के टॉप पे आया हूँ, यहाँ पे नीचे गाड़ी खड़ी है, नेहा और मम्मी गाड़ी में ही है, मैंने सोचा कि आपको यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ टॉप से ना बहुत ही गजब व्यू आता है, ये देखो आसपास की सारी चोटियाँ दिखाई देती है और चूड़ेश्वर महाराज जो है इसके पीछे को है। और अभी ये फ्लोर खाली है, बाकी मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। हाँ दो फ्लोर में हमारे किराएदार रह रहे हैं, नीचे दुकानें हैं, मैं दिखाता हूँ। तो ये है पूरी बिल्डिंग, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 शॉप्स है और ऊपर किराएदार है, वो मैं टॉप पे गया था आपको दिखाने। तो अभी हम पापा का वेट करें, वो बैंक गए। पहला हॉल्ट ले लिया है हम लोगों ने क्योंकि पापा कुछ यहाँ पे बताना चाहते हैं, तो हम भी उतर चुके हैं। यहाँ से भी चूड़ेश्वर महाराज के दर्शन हो जाते हैं और वहाँ पे देखो चूड़ेश्वर महाराज के चोटी के ऊपर जो है ना बादल है अभी भी, तो यहाँ पे बर्फ पड़ती रहती है। हाँ जी। अच्छा ये जगह रही होगी। हाँ जी। देखो ना कितनी खूबसूरत जगह है, ये पूरा रिज है, ये सीधा आगे ना, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे फोटोज भी बहुत अच्छी आती है। हाँ। और वीडियोस भी। और हम हमारा एरिया पड़ता है इस तरफ, हमारा गांव, हमारा इस तरफ को पड़ता है डाउन में, इस वैली में डाउन में हमारा गांव है। जब हम अपने मामू के घर आते थे, हाँ जी, इधर से पैदल आते थे इस जंगलों में ना। अच्छा। नीचे से पैदल आते थे हम, इधर से ऊपर चढ़ते हुए यहाँ पहुँचते थे हम रिउनी में। हाँ। रिउनी स्टेशन है ये। अच्छा। यहाँ से फिर जाते थे, ये हमारे मामू का गांव यहाँ। हाँ जो हमने पहले भी दिखाया था। हाँ। जहाँ से दादी है, टिकरी। हाँ। जगह का नाम है। हाँ। यहाँ नीचे वो देखो यहाँ हमारे मामू का गांव है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जब हम आते थे तो रोड हमारे को यही मिलता था सिर्फ, बाकी कोई रोड नहीं थे गांव में। हाँ। गांव में बिना सड़क के गांव थे उस टाइम। तो जब हम यहाँ आते थे तो जब कोई गाड़ी आती थी तो हम बड़े उत्सुक होते थे गाड़ी देखने के लिए, ये आई गाड़ी 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 इधर से है ना। हाँ। सिर्फ एक ही रोड मिलता था हमारे को पूरा मामू के घर जाने के लिए, एक ही रोड। हाँ। फिर हम जाते थे यहाँ से नीचे,
इधर से अच्छा। और कहां इधर से खेलते हुए बड़ा आना जाना बड़ा रहता था हमारा, इधर से एकदम चढ़ाई इधर से एकदम उतराई बिल्कुल। पहले वक्त में जो ना चलने का ही ज्यादा पगडंडियों में चलना होता था, सड़के होती नहीं थी, गाड़ियों की सुविधा नहीं होती थी। हाँ जी, बड़ी खूबसूरत जगह थी, बड़ा एंजॉय करते थे बचपन में भी। इवन के ये ऐसी खूबसूरत जगह जब हम पढ़ते थे यहाँ, हाँ जी, नीचे अपने स्कूल में, तो पिकनिक के लिए भी हमारे को कई बार यहाँ लाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भी अच्छा। ये बड़ा पिकनिक स्पॉट मानते थे इसको। हाँ, तो यहाँ पर पिकनिक के लिए बच्चे बहुत पर भी लाते थे, क्योंकि एक बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है यहाँ पे। देखो इधर से बिल्कुल उस साइड से शुरू हो जाता है सीधी सड़क, और काफी मजा आता है यहाँ पे। और अरे परे पेड़ ही पेड़ है, बीचों बीच सड़क है। अब 26 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है जो मैंने बताया था, उसमें से ये एक ही है जंगल के बीचों बीच। यहाँ पे थोड़ा बहुत ओपन आ जाता है और सामने चूड़ेश्वर महाराज के दर्शन भी हो जाते हैं। तो हर बार हम यहीं पे ही आके जो है ना प्रणाम करते हैं चूड़ेश्वर महाराज को। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया, पीछे तबीयत तो नहीं हो रही खराब? नहीं नहीं, अब तो आपने शायद बैक के लिए कुछ बना दिया है पीछे। हाँ, है ना? मैंने बना तो दिया है, अब आपने सेटिंग फिर और चेंज होगी। चलो बैक इधर को शिफ्ट कर दूंगा फिर से। तो अभी चले आगे को। हम लोगों ने ले लिया है सेकंड हॉल्ट, क्योंकि बर्फ अब पता नहीं पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो सोचा कि इसका थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। खासकर मम्मी को बहुत शौक है कि यार पता नहीं बर्फ कहाँ कब मिलेगी, तो इससे अच्छा है आखिरी बर्फ का आनंद ले लेते हैं। हम आए बावड़ी के पास, यहाँ पे बावड़ी है, और यहाँ से अभी आप ऊपर तक जाना चाह रहे हो? मम्मी ने फोटो ले ली। ये बर्फ में फोटो। हाँ जी, ये बावड़ी देख ले, ये इतनी हाइट पर है ये। हाँ, ये होगी मेरे ख्याल से 9-10,000 फुट की हाइट पर है ये। हाँ, और ये नेचुरल बावड़ी है। हाँ जी, बावड़ी देखो आप, इसमें पानी हमेशा आता है पूरे मतलब सीजन में, पूरे 12 महीने इसमें पानी होता है। बिल्कुल, गर्मियों में इतना ठंडा पानी होता है ना। हाँ, फ्रिज से निकाला पानी है ये। सही बात। इसको थोड़ा बावड़ी की शेप दे दी, पहले तो ऐसे था यहाँ कुआं सा। हाँ जी, इसको बावड़ी बना के इसको बावड़ी की शेप दे दी। अब नेचुरल आता है, कहाँ से आता है यहाँ। बिल्कुल, इतनी हाइट पर बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल, इतनी हाइट पर पानी मिलना बहुत बड़ी बात। और यहाँ पे देखो अभी तक बर्फ है। जो घुमंत गुजर आते हैं ना। हाँ जी, घुमंत गुजर वो भी इधर ही आते हैं, पूरे इन जंगलों में आते हैं, और उनकी बस्ती इधर है, कुछ इधर है, कुछ उधर है, और उनकी भैंसे गाय और जो उनके पशु होते हैं। हाँ, सारे यहाँ पर पूरे इसमें रहते हैं गर्मियों में। हाँ जी, और पानी उनका पानी यहीं से जाता है। हाँ जी, इन्हें खाने पीने के लिए पानी यहीं से ले जाते हैं। हाँ जी, और साथ में एक होटल है आगे। हाँ जी, होटल के लिए भी यहीं से पानी जाता है, क्योंकि ऊपर कोई पानी की स्कीम नहीं है। हाँ जी, इधर कहीं पानी अवेलेबल है इस जगह को छोड़ के। हाँ जी, तो यहाँ पे बर्फ में मस्ती शुरू हो चुकी है। मार मार मार, ए हे शॉट। बस क्यों ले यार, हद कर रही है। मम्मी तो मेरे को ही कैच दे रही है, अच्छा है को उठाना नहीं पड़ रहा। वाह, बस आ गई, बस आ गई। वेट बाय, अरे बस को जाने देते हैं। अब खेलो। हाँ, अब गेम खेल सकते हैं। गुड, यस। नेहा तो सुस्त हो गई है। ये धोखे से मारा ना, ये उसकी सजा थी। हाँ 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 हाँ। शिट, गंदा बदला लिया ना तुमने मेरे साथ। कोई बात नहीं, उफ, सारी बर्फ तुमने मेरे अंदर डाल दी जो मेरे अंदर गई तो वो तुमने पहले। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अलीधार, इस जगह का नाम अलीधार है। यहाँ से ऊपर को सड़क जाती है, और मौसम देखो आप कैसा खराब हो रहा है। और ये जो सड़क जा रही है, ये जा रही है मामू के घर को। तो ऊपर आपको बताएंगे कहाँ पे हम पहुँचते हैं, और यहाँ से जर्नी शुरू होती है। काफी खूबसूरत है ऊपर, वादियाँ दिखाएंगे आपको। ये है प्रॉपर ऑफ रोडिंग, देखो आप सड़क देख सकते हैं। ये तो फिलहाल फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है, जब मैं वैगनार में आता था तब तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी सड़क की, पर अभी फिलहाल के लिए ठीक है। हाँ जी मम्मी। हाँ जी, वैगनार में बेटर है कि जिप्सी में? जिप्सी में। अरे क्या बात है, मम्मी के मजे आगे बैठे है ना फ्रंट में। हाँ। मस्त आगे वाली सीट है, बिल्कुल मस्त। हाँ। पीछे वालों का कैसा हाल है? नहीं, तुम बोले थे कि पीछे खराब है, इतना बढ़िया है, कम्फर्टेबल है। हाँ, बढ़िया है, ठीक है वैसे। हाँ, बहुत अच्छा है। क्या है नेहा, बताओ नेहा, आपको ठीक लग रहा है? मैं तो बहुत मस्त होके बैठ के आराम से, पीछे मैंने बैग लगाए और पीठ लगा के मस्त चली। यार तो बढ़िया बना रखा है, बाकी एंजॉय करने वाली बात होती है। अगर आप ऐसे रहोगे, नहीं यार मेरे को कंफर्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल, हां ये तो है। आपको बताइए, आप एंजॉय
करो तब नहीं फर्क बिल्कुल। और हम हॉल्ट लेते लेते भी आए ना, ऐसे भी नहीं आए कि नॉन स्टॉप ही चले हुए। आज हमारा फर्स्ट ट्रिप है अपने बेटे को के साथ। हाँ बिल्कुल, के साथ हमारा फर्स्ट ट्रिप है। सही बात, तो इतना एंजॉय कर रहे हैं हम। शॉर्ट कट जाता है ऊपर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये जो सड़क है जंगल के बीचों बीच ही जाएगी, तो अभी थोड़ा हम ऊपर तक पहुँच जाते हैं। पहले हम लोग पहुँच चुके हैं हाइट पे, और इस जगह का नाम है घोग। और यहाँ सामने है मामू का घर। ये देखो आपको जो रेड छत और पीछे स्लेट वाला घर दिखाई दे रहा है, ये मामू का घर है। पर मामू ने एक और घर बनाया है, क्योंकि बगीचा यहाँ से आगे भी है, तो हम यहाँ से गाड़ी आगे लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सीधे ही बारिश हल्की सी हुई, अब बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई यहाँ पे। कौन बोल रहा था कि अभी भी बर्फ़ नहीं पड़ती है। देखो बर्फ़ हल्की हल्की, अब ये नहीं पता कितनी पड़ेगी कि नहीं, पर हल्की शुरू हो चुकी है। हम लोगों ने गाड़ी तो लगा दी है और पहुँच चुके हैं मामू के घर के बाहर। ये है जी नया घर जो बन रहा है। पहले भी आए थे मैं और मम्मी, और हाँ मैं, मम्मी, दादी, पापा भी थे। हाँ पापा भी थे साथ में। तो नेहा पहली बार आ रही है, तो नेहा जी आपका स्वागत है। चले, चलो। कैसा लग रहा है एरिया? कैसा लगा? हाँ बिल्कुल सेम वैसे ही, जंगल लरे परे और बीच में घर है। सबसे खासियत एक है ये वेस्ट फेसिंग है ये। अच्छा, बिल्कुल वैली के साथ सट के है। सुबह की धूप नहीं आती यहाँ। अच्छा, जो शाम की धूप है ना ऐसी जबरदस्त पड़ती है ना ये, कि भाई अंदर कमरे इतने गर्म होते अंधेरे तक, जब उसके बाद एकदम अंधेरा हो जाता है। लास्ट किरण कितनी नजदीक। हाँ ये देखो, यहाँ से देखो एक चीज अच्छी है कि सामने चूड़धार दिखाई देता है, तो यहाँ से अलग तरह से दिख रहा है चूड़धार। जो हमारी तरफ से दिखता है वो अलग तरह से दिखता है, यहाँ से बैक साइड से दिख रहा है पूरा चूड़धार। ये पुराना घोग है जहाँ पर पहले रहते थे। हाँ वहाँ गए थे हम, जहाँ हम आपको बता रहे थे, यहाँ है जी मेन घोग का एरिया जो सारा ऊपर को है। यहाँ पे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मैक्सिमम बगीचा ना यहाँ पे, देखो सारा जितना भी दिखाई दे रहा है दूर दूर तक, ये नहीं गई बगीचा है। चले, वाह वेलकम ही हमारा जो है ना छोटा सा पपी कर रहा है, और काफी गुस्सा भी हो रहा है, एक्साइटेड भी हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करना चाह रहा है। हेलो हेलो बेटू, गुड मॉर्निंग, कैसा है पुखलू? लेट गया भाई, लेट गया, सरेंडर कर दिया इसने तो एकदम, हमसे डर गया बेटू। गुड, कौन आया ये है? कौन आया? नेहा को पहचान गया है ये। तो हम लोग आ चुके हैं किचन में अंदर, और मामू ने जो किचन है ना काफी अच्छी बनाई है। पुराना घर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, नया तो उससे भी ज्यादा है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि किचन ये है। मामू हेलो, कैसे आप? बढ़िया। तो यहाँ से देखो, अच्छी बात पता क्या है, ये जो सामने आपको वैली दिख रही है ना, यहाँ पे सामने चूड़धार, ये वाली पीक, ये देखो सामने चूड़धार दिख जाता है। और इधर खिड़की से आप देखो, आपने बगीचा देखना, बगीचा दिख जाएगा, आसपास का एरिया दिख जाएगा, और पुराना जो गांव है यहाँ से वो भी दिख जाता है साइड में, राइट साइड को। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ जी, ये इस किचन की खासियत है, वेस्ट फेसिंग है ये। वेस्ट फेसिंग है और शाम की सुबह की धूप नहीं लगेगी यहाँ। जब इस तरफ धूप जाएगा वेस्ट में ना, पूरी धूप अंदर पड़ती है इसमें। बिल्कुल, और धूप से इतना गर्म हो जाता है शाम तक ये, कि भाई इसमें बुखारी जलाने की जरूरत भी बहुत कम पड़ती है। और जब बुखारी जलाते, बुखारी बड़ी यूनिक, बुखारी बहुत अलग है इनकी। और इसमें जैसे बुखारी जलाती तो इसमें अंदर रहना मुश्किल है, आप कपड़े भी मतलब ऐसे लगते हैं खोल दे। तो ये बुखारी मेरे को देखने में ही बड़ी अच्छी लग रही है, और इसमें कुछ ऐसा कॉटन डलती है ऊपर, है ना, ऐसा कुछ बोल रहे आप? इसके ऊपर कॉटन डलती है, यहाँ पे वो माउथ है जहाँ से लकड़ियाँ डलती है। और टेम्परेचर काफी अच्छा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बढ़िया। इतना बड़ा टेम्परेचर, इतना बढ़िया टेम्परेचर जो ना मेंटेन करना, बिल्कुल। और जरूरत भी है, यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। आप हाइट देख सकते हैं कि चूड़धार के बगल में ही दिखाई देता है सामने में। ये तो वो हो गया ना, जैसे सर्दी में गर्मी का एहसास। सही बात है, सर्दी में गर्मी का एहसास होता है यहाँ पर। हाँ तो ये मतलब एक बहुत ही बढ़िया, एक अच्छा, अच्छी लाइफ लीड करने के लिए हाइट पर, खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चों के लिए इतनी टेम्परेचर बनाना जरूरी है। टेम्परेचर बनाकर रहना किचन, और सर्दी महसूस ही नहीं होती। हम तो खुद भी देखते हैं। और मामी जी बनाने लगे हैं चाय, तो आते ही चाय के साथ स्वागत हो रहा है। पानी हम लोगों ने पी लिया है, और मामू के यहाँ है ना। और पहली बार है नेहा तो पहली बार आ रही है। हाँ सच, नेहा से पूछना पड़ेगा। नेहा जी कैसा लग रहा है आपको? मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि मैं कीथी आई हूँ। हाँ जंगलों के बीच है, सही बात है। और मजे की बात ये है, जहाँ से ये है ना। हाँ हाँ, मामी भी वही, मामी जी भी कोट खाई से ही। हाँ ये
सेम बस ये सेम। कि एरिया थोड़ा अलग है, वो मेरे मामा साइड से है। अच्छा, मैं तो खैर अलग थोड़ा। अच्छा हाँ, हाँ मामे पड़ोसी है इनके, पांच छह छोड़ के आए थे वहाँ पे। यहाँ पे एक और मिल गया है, और ये तो खतरनाक ही है, देखो इसको बस खेलना ही है। ये देखो जंप ही करता रहेगा। बस बस ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस बेटू, व्लॉग एंड करने से पहले देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी ज़्यादा ओले और बर्फ़ जो भी बोलो, क्योंकि हल्के पतले पतले से शुरू हो चुकी है। ये डॉगू भी हमारे साथ आ चुका है, नेहा। इससे पहले ना ज़्यादा बड़े ओले हो जाए ना, चलते हैं, चलो। तो अभी हम गाड़ी के पास आए, सामान यहीं था गाड़ी में, सोचा पहले अंदर चले जाते हैं बैठते, और मैं और नया सामान लेके जाएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ, काफी बड़ा ब्लॉग हो गया होगा। पर मेरा दोस्त जो है ना वो, बस बेटा बस, पहले ब्लॉग एंड करने दे, रुक जा। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहे अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।